ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार। शिक्षक भर्ती घोटाले में 24 घंटे पूछताछ के बाद ईडी की कार्रवाई। करीबी अर्पिता भी हिरासत। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कैबिनेट में कद्दावर मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी गिरफ्तार कर लिया है। करीब 24 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने ये कार्रवाई की है। पार्थ के अलावा उनकी करीबी अर्पिता को भी हिरासत में ले लिया गया है। पार्थ के घर के बाहर सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। ईडी चटर्जी को कोलकाता ऑफिस ले गई है। हाईकोर्ट ने दिया सीबीआई जांच का आदेश, फिर ईडी की एंट्री। पश्चिम बंगाल में 2014 और 2016 में शिक्षकों की भर्ती हुई थी। नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाते हुए दो कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच के लिए आदेश दिए थे। सीबीआई ने चटर्जी से 25 अप्रैल 2018 को पूछताछ की थी, क्योंकि वे 2014 से लेकर 2021 तक राज्य के शिक्षा मंत्री थे। पूछताछ के बाद सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज कराई। जांच एजेंसियों की शिकायत के बाद मामला ईडी के हाथ में चला गया। शुक्रवार को ईडी की कई टीमों ने एक साथ पार्थ समेत उनके करीबियों के यहाँ छापामारी की। सूत्रों के मुताबिक छापामारी के दौरान ईडी की टीम को अर्पिता मुखर्जी के बारे में जानकारी मिली थी। रेड के दौरान अर्पिता के घर में ईडी को 20 करोड़ कैश मिला। अर्पिता के घर से कैश बरामद होने के बाद शुक्रवार रात 11 बजे ईडी की एक टीम पार्थ के घर पहुंची। रात भर पूछताछ के बाद शनिवार सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद पार्थ के घर के बाहर सीआरपीएफ तैनात कर दी गई। कोलकाता की महिला पश्चिम सीट से 5 बार विधायक पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी की सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। उनके पास वाणिज्य, उद्योग, संसदीय कार्य समेत कई मंत्रालयों का प्रभार है। चटर्जी 2011 से कैबिनेट मंत्री हैं और 2006 से 2011 तक बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। टीएमसी ने साधी चुप्पी, कानूनी राय ली जा रही है। पार्थ चटर्जी पर ईडी की कार्रवाई के बाद टीएमसी ने बेट एंड वॉच की रणनीति अपना ली है। पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि उनके वकील इस मामले को देखेंगे, इसके बाद ही आगे की जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।